हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रखे आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में 1,850 स्वास्थ्य कर्मी रखे गए थे, जिनकी समय अवधि 30 जून को ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कोविड काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आश्वस्त भी किया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक अनुबंध बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार की अधिसूचना नहीं हुई। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिलने सचिवालय पहुंचे इन स्वास्थ्य कर्मियों को आज भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश के बाहर हैं। ऐसे में इनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटते वह सेवाएं देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार 3-3 माह बाद अनुबंध बढ़ा रही है, ये सही नहीं है। सरकार उनके लिए कोई ठोस नीति बनाए ताकि उनके ऊपर लटक रही बेरोजगारी की तलवार हमेशा के लिए हट सके। क्या बोले स्वास्थ्य कर्मी, सुनिए। मैं स्टाफ नर्स हूँ DTU में और वहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ। कोविड काल में अपॉइंट हुई, 2019 में हम लगे थे वहाँ पे। अब हमें 3 साल होने को हो गए हैं, पर अब हमारा जो टेंडर है वो 30 जून तक ही था, 30 जून के बाद ख़त्म हो गया, पर अभी हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी ये बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए हम CM सर से मिलने आए थे यहाँ पे, भाई हमारा टेंडर आगे भी हो और इसलिए हमें कोई पॉलिसी बनाई जाए या किसी चीज़ के अंदर रखा जाए जिससे हमारे घर भी चल सके, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रूम ले रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं यहाँ पे। जैसे वैसे तो टोटल जो कोविड में स्टाफ रखा था वो 1895 लोग हैं पूरे, जो पूरे रखे हुए हैं। हर जगह स्टाफ नर्सेज भी रखी हुई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ हमारे DTU में ही 10 स्टाफ नर्सेज हैं और IGMC में भी स्टाफ नर्सेज हैं, रखी हुई हैं। अभी आप ड्यूटी दे रहे हैं? अभी तो हम कंटिन्यू ड्यूटी दे रहे हैं, अभी हमें बोला गया है भाई 2-3 दिन वेट कर लो, उसके बाद हम कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी CM सर नहीं है यहाँ पे। उस टाइम तो हमें सैलरी मिली है, पर अभी हमें कुछ भी पता नहीं है आगे कभी हमें क्या करना है ना, क्योंकि अभी हमारी एक्सटेंशन तो आई नहीं है 30 जून के बाद की, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही सेवा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बोला है कि आप अभी कंटिन्यू रखो ऐसी ही सेवा। मैं अलका चौहान, DTU से स्टाफ नर्स। मैं ये चाहती हूँ कि हम जितने भी कोविड काल में रखे गए कर्मचारी है हम लोगों को कंटिन्यू किया जाए, हम लोग पॉलिसी के रिगार्डिंग करें कि हम लोगों को पॉलिसी बनाई जाए। ये हमारा सर 3-3 मंथ का टेंडर एक्सटेंड होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे DTU में स्टाफ की कमी चल रही है, तो हमें वहीं कंटिन्यू कर दिया जाए। सर हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो ये 3-3 मंथ का है, सबसे पहले तो सर ये ख़त्म कर दिया जाए और फिर मतलब कंटिन्यू कर दिया जाए हम लोगों को भी। सर हम लोगों को 3-3 मंथ के बाद ये रहता है कि अब 3 मंथ है कि हम लोगों को और सेक्टर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सर हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाए। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।